हेलो एवरीवन, मेरे गिरी लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी ख़ास है और उसमें कुछ नए फ्लावर प्लांट भी है जो बड़े ही खूबसूरत प्लांट फ्लावर हैं, तो उनको जो मैंने ऐड किए हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर मैं इसमें दिखाने वाली हूँ आपको, आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। और जितने भी ये प्लांट फ्लावर है या प्लांट है तो भी सारे कई सारे नर्सरी में जाती और ढूंढ ढूंढ के लाती जो भी मुझे पसंद आते हैं आपके दिखाने के लिए। और बिना स्किप करे देखें, पूरी देखें वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। देखिए, ये भी एक तरह का हिबिस्कस होता है और इसका नाम है एविट नल झुमका रेड टाइगर चाइनी लैंटर, कई नामों से जाना जाता है इसको। तो ये रेड टाइगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेड रेड लाइनें होती हैं, तो इसलिए रेड टाइगर कहते हैं। और ये खूबसूरत इतना होता है जो हमारे नॉर्मली ये हिबिस्कस होते हैं इस तरह के, ये तो एक ही दिन चलता है और ये प्लांट पे कई दिन तक, चार दिन तक कम से कम फूल टिक जाता है इसके। तो इसलिए ये जो है काफ़ी सारे इस पे फूल बने रहते हैं। ये देखो, कई सारे तो मेरे इसमें भी बने हुए हैं। और ये जो है ये मैंने न्यू ख़रीदा है और ये विंटर में भी फूल देते हैं और ये समर में भी फूल देते हैं। तो ये 12 महीने का प्लांट होता है और परमानेंट होता है, तो ये अगर मिलता है तो इस तरह का प्लांट भी ज़रूर लिया। और एक ये भी बाय किया था क्योंकि मेरे पास अपराजिता के पहले थे दो कलर, वाइट और ये पर ब्लू वाला, लेकिन वो क्या हुआ अभी उस पर फूल नहीं आए तो उनका पता ही नहीं ये वाइट है या ब्लू है, तो इसलिए मैं ये ब्लू वाला, ये खिला हुआ था, इसको भी मैंने बाय किया। तो ये भी, ये डबल उसमें है, देखो डबल पेटल में है, ये सिंगल में भी आते हैं और डबल में जो है ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, ये तो फुल सनलाइट में आप रख सकते हो इसको। और ये देखिए, ये मेरा डबल चांदनी का भी फूल खिल गया और इसमें काफ़ी सारी कलियां हैं और एकदम वाइट है, तो इसमें काफ़ी सारे फूल आज आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये भी कितना खूबसूरत फूल लगता है और ये बड़ा खुशबू वाला फूल है, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी गार्डन में अपने ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अब दोपहर की धूप से बिल्कुल बचा दिया है, तो इसको बस सुबह शाम की धूप देती हूँ। एक देखिए, ये गार्डन रोज है मेरे, और ये कितना प्यारा पेटल है इसमें भरा हुआ बिल्कुल, और कई दिन तक ये कम से कम 10-15 दिन प्लांट पर रहता है। और ये गर्मी, बरसात और ठंड में तो जब अगर होता है ये फूल आता है तो ये कम से कम एक महीना रहता है ये मेरे प्लांट पर। और ये देखो, ये छोटे छोटे फूल आते हैं इस पर लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और इसमें देखो दो कलर के आते हैं, एक डार्क मैरून होता है, रेड कलर का डार्क मैरूम ही है, इसमें तो नहीं लग रहा कैमरे में बट वैसे तो ये डार्क मैरूम है अगर रियल में देखते। और एक ये सुंदर सा डबल शेड में ये वाला कलर है, तो ये इसमें डबल शेड के आते हैं, ये दूसरा कलर है, दो कलर के आते हैं और ये दूसरा कलर है। और इधर मेरे कितने खूबसूरत से गुलाब हैं, देखो एक ये है, ये तो कमल की तरह खिल रहा है। और ये देखो, ये झाड़ जैसा हो गया है प्लांट, मैंने इसकी कटिंग नहीं की तो ये अभी फैला है। तो देखो, बारिश का फ़ायदा मिला क्योंकि अब ये इस समय इतना ग्रीन, और मैं कुछ काम भी ऐसे ही करती हूँ इन पे जो ये ग्रीन रहते हैं, देखो कितना खूबसूरत सा है। और इधर भी खिले हैं, ये देखो खूबसूरत गुलाब है, ये असली गुलाब ये है पिंक कलर का। और इधर तो हमने देखा ही नहीं, एक इधर भी खिला हुआ, देखो कितना सुंदर, ये डार्क मैरून है और कुछ कुछ ब्लैक सा है अंदर से, ये देखो इस पर भी कलियाँ भी आ रही हैं। और मेरा एक ये है वाइट कलर का रोज, कुछ अंदर से हल्का सा येलो है, ये भी वाइट ही हो जाता है बाद में और कितना खूबसूरत लगता है। और ये मेरा ऑनियन कलर गुलाब है, आते छोटे हैं बट खूबसूरत होते हैं, देखो कितने प्यारा सा है। और ये मेरा येलो भी खिल रहा है धीरे धीरे, येलो कलर का गुलाब भी देखो खूबसूरत लग रहा है, हवा चल रही है। और ये देखिए, ये ट्रम्पेट जो टिकोमा होता है, तो मैंने इसकी जो पुराने फूल थे ब्रांच निकाल दी थी ऊपर से कट करके, तो ये नई नई ब्रांच आई और इस पर नए नए फूल अब देखो कितने खूबसूरत से आ रहे हैं। तो ये देखो, ये सब नई ब्रांचेज हैं, तो जो पुरानी ब्रांच हो जाती है जो फूल खिल जाते तो उसके बाद हम निकाल देते हैं, तो इस तरह से नई ब्रांच आ जाती है। देखो ये कलियाँ भी बननी शुरू हो गई। और एक ये भी मैं दिखा रही थी, तो ये वाला है ये पेंटास, देखो ये पेंटास के, देखो अभी तो इस पर ब्लूम हुई थी, इस पर भी मतलब 24 घंटे लगे ही रहते हैं और ये फूलों से लगा रहता है, तो इस पर भी मेरे पास 3 कलर हैं। तो ये देखो अब दोबारा से फिर आ गए, उसके मैंने जो गुच्छे थे पुराने वाले ऐसे करके ये बंच ये निकाल दी सारी पुरानी वाली, और ये नई इतनी सारी बन के आई फिर, ये देखो न्यू 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 इस पर बहुत सारी बन के आई, तो मैं ऐसे ही करती
जब ये पुरानी हो जाती है तो इसको काट देती है, तो ये नई बहुत सारी बन जाती है। और इसको बस मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको छाया में रखा हुआ, इसको बिल्कुल भी धूप नहीं दे रखी, पूरा शेडी एरिया दे रखा है इसको। और ये पिंक वाला देखो, इस पर भी अभी गुच्छे बन रहे नए नए सारे, ये देखो ये देखो और ये देखो कितने न्यू न्यू अभी ये खिलेंगे यार, कितने दिन तक टिके रहते हैं, कई दिन तक टिके रहते हैं। ये रेड वाला है, ये देखो इसके भी नए नए गुच्छे बन रहे हैं, नए नए ब्रांच नए नए गुच्छे, देखो कितने खूबसूरत बन रहा है। और ये मेरा गजानिया का, ये देखो कितना खूबसूरत फ्लावर है। तो आज ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी गजानिया के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए ये हाइब्रिड जो पिनका होता है सदाबहार, इन्होंने भी कितनी खूबसूरती बिखेरी हुई है गमलों में देखो। और ये तो मैंने पूरी ही धूप में रखे हुए हैं, ये सारे कलर हैं, मैं पहले भी दिखवा चुकी हूँ आपको, तो इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करी, सिर्फ कलर कलर दिखा रही हूँ कैसे खिल रहे हैं। ये देखो ये देखो, ये देसी है और ये हाइब्रिड है, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रखी है। ये देखिए इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में भी, और मेरा अजेलिया भी खिल रहा है देखो, ये विंटर भी पूरे विंटर फूल दे इसने, और ये देखिए अभी भी ये फूल दे रहा है इसने। और ये स्टॉक प्लांट पे भी देखो कितनी अच्छी ब्लूमिंग है अभी इतनी सारी गर्मी में भी, ये कई सारे प्लांट हैं मेरे पास। और ये देखिए ब्लेडिंग हार्ट के भी अभी फूल ये मेरे पास खिली रहे हैं अभी, तो इस तरह से देखो बंचों में खूबसूरत लगते हैं। ये सफ़ेद जो दिख रहे हैं तो इनके ये रेड वाले ये गिर गए हैं। और एक जोरा पे भी देखो कितना खूबसूरत फूल लगा हुआ है, और पूरा बंचों में देखो कितना बंच इस पर भरा हुआ है, पूरा प्लांट ये फूलों से भरा हुआ है। और एक ही छोटा सा एक जोरा है, बहुत छोटा सा, ये देखो इस पर भी फूल आ रहे हैं, काफ़ी बंचों में फूल आते हैं छोटे छोटे। ये भी देखिए, ये देखिए ये फ्लावर बहुत कम मिलते हैं और देखने में ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ये पत्तियाँ इसकी प्लांट की, ये वरुण फैल्सिया है इसका नाम प्लांट का, और इसकी पत्तियाँ कुछ लंबी लंबी है और ये ग्रीन ही रहती है, 12 महीने इस पर पत्तियाँ रहती है, कभी मैंने तो देखा ही नहीं। और फूल इसका एक बार आता है और फिर उसके बाद फिर ये सूख जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर आ जाता है। और ये देखिए ये मैंने नया ख़रीदा था, ये हिबिस्कस का, तो ये अनियन कलर है और अंदर से कुछ मैरून सा है और बड़ा अच्छा सा है, आज पहली बार ये पहला फूल खिला है। और ये देखिए ये बर्बीना देखो अभी भी खिले हुए हैं, कितना खूबसूरत कलर बना हुआ है इसका, देखो रेड कलर का, अभी भी सारे बंचों में ऐसे खिले हुए हैं और नीचे तक जो भी बंच है उनमें सभी में खिले हुए हैं, तो ये कलर भी मुझे अच्छा लगता है और ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे देखो मैरीगोल्ड के ये फ्री में ही तैयार हो गए, मैंने इसके बीज बिखेर दिए थे, तो ये देखो इस पे फूल भी आ गए, कितने प्यारे प्यारे। तो और मेरा पिटोनिया का भी अभी चल ही रहा है, ये देखो कितना खूबसूरत सा। और ये फ्यूशिया प्लांट भी, ये जो होता है ये भी चल रहा है अभी, ये देखो कितना प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा धूप से सूखने लगे हैं थोड़ा, वैसे तो छाया में रखा है, तो इस पे भी अभी फूल बने हुए, देखो एक ये कलर थोड़े थोड़े फेड होने लगे इनके। और एक ये गार्डनिया का, ये देखो ये भी खूबसूरत सा गर्मियों में फूल आया, पहले इस पे ये कलियाँ लगी हुई थी, तो अभी और भी कलियाँ हैं तो ये खिलेंगी, ये भी तो इस पे भी खूबसूरत सा आया, देखो कितना प्यारा सा कमल की तरह लगता है मुझे तो। और ये देखिए ये मेरा वेरीगेटेड बस रोज है, तो ये इस तरह का कलर आता है, और किसी व्यूअर्स ने बोला था कि हमने ये पहली बार मोसरोज देखा वेरीगेटेड, पहले नहीं देखा, तो ये देखो कितने लोगों ने नहीं देखा होगा, तो क्योंकि जब मैंने लिया था ये तो मैंने भी ये पहली ही बार देखा था कि ये मिर्च होती है, ये लोंगिया मिर्च होती है, तो ये कैसी खूबसूरत लग रही है, देखो प्लांट पर रेड है, ये हल्की येलो है और ये ऊपर से नीचे तक लगी हुई है, ये देखो अभी भी, तो ये देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी बड़ी तीखी लगती है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।